यस बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज 2.3। मींस इसमें हमने जो आपका पॉइंट नंबर टू सॉरी एक्सरसाइज 2.3 का जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, सेकेंड है, मींस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया था। सारे क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द रूल ऑफ टी। ये सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे जो अभी तक इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, वो रूल ऑफ डीमास, यानी डीमास रूल पे बेस्ड थे। उस पे बेस्ड क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं इसे नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। योर नेक्स्ट पॉइंट इज चैलेंजर। चलिए, हमारे लिए चुनौती है तो हम इसको स्वीकार करते हैं। हाँ तो भाई, इसमें स्टेटमेंट क्या है, इसका करना हमें ही है, तो हम सब मिलकर करेंगे। रॉबिन ओन्स 4 स्मॉल रेस्टोरेंट्स। भाई रॉबिन का अपना खुद का 4 स्मॉल रेस्टोरेंट्स हैं। द नंबर ऑफ टेबल्स इन ईच रेस्टोरेंट एंड द मंथली अर्निंग फ्रॉम ईच टेबल आर लिस्टेड बिलो। देखिए, लोकेशन यानी फर्स्ट रेस्टोरेंट से उसमें नंबर ऑफ टेबल कितने हैं, यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ, ये रेस्टोरेंट फर्स्ट हो गया। अब इस फर्स्ट रेस्टोरेंट पे नंबर ऑफ टेबल कितने, भाई यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल की बात कर लो तो कितने हैं, 4 टेबल्स है ना। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल कितने हैं, 7। मैंने ध्यान नहीं दिया ना, 7 है। कितने हैं, 7 टेबल्स। फ्रॉम ईच टेबल, ईच टेबल से कितना अर्न हो रहा है रेस्टोरेंट फर्स्ट से, 2700। अगर आपसे ये कोई पूछता है कि टोटल अर्निंग फ्रॉम रेस्टोरेंट वन बताइए, तो कैसे बताएंगे आप? अगर टोटल अर्निंग बताना होता फ्रॉम रेस्टोरेंट वन तो क्या करते आप? ईच टेबल से उसको 2700 की अर्निंग हो रही है, और जबकि जो नंबर ऑफ टेबल्स उसमें कितने हैं, 7, तो क्या करेंगे आप अगर टोटल अर्निंग फाइंड करना होता फ्रॉम रेस्टोरेंट वन, बाय व्हिच नंबर टू व्हिच, मतलब किसको किससे मल्टीप्लाई करना भाई, 2700 यस, आपको करना क्या रहेगा, 2700 मल्टीप्लाइड बाय 7। इससे आप बता देंगे नंबर टोटल अर्निंग ऑफ रॉबिन्स फ्रॉम रेस्टोरेंट वन। ओके, सेम एज अगर रेस्टोरेंट टू की बात करो तो उसमें नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं, वहां पे रेस्टोरेंट में 8 टेबल्स हैं, और ईच टेबल से जो अर्निंग है 5800 है, सॉरी 5400 है। तो ऐसे में अगर टोटल अर्निंग यहाँ भी फाइंड करना होता तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो सर करना तो पड़ेगा ही है, क्योंकि इन्होंने लास्ट में वही आस्क किया है, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ रॉबिन इफ रॉबिन वांट टू शेयर हिज अर्निंग अमंग 6 फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग हिम, हाउ मच विल ईच फैमिली मेंबर गेट। वो टोटल अर्निंग को क्या करना चाहता आप, इफ रॉबिन वांट टू शेयर हिज अर्निंग, वो अपने अर्निंग को शेयर करना चाहता है अमंग 6 फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग हिम, अपने आप को लेकर वो 6 फैमिली मेंबर्स में उसको क्या करना चाह रहा है, डिवाइड करना चाह रहा है। तो भाई जितनी अर्निंग होगी उसी में 6 डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे उसकी टोटल अर्निंग के अकॉर्डिंग ईच फैमिली मेंबर को कितना मिलेगा, ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले टोटल अर्निंग निकालो, क्या निकालना होगा हमें, टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग निकालने के लिए आप करोगे 1 by 1 करके, एक एक रेस्टोरेंट से कितना उसको टोटल अर्निंग होता है यही हम फाइंड कर ले रहे हैं। यहाँ पे अगर टोटल अर्निंग फ्रॉम रेस्टोरेंट वन की बात करें तो 2700 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हो जाएगा। आपने सर कहा इसमें कितना आंसर आएगा, टोटल मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 7 × 7 = 49 एंड 7 × 2 = 14, 4 = 18 00। यस माई डियर, 18,900 रुपीज, यानी टोटल अर्निंग फ्रॉम रेस्टोरेंट वन हम कह सकते हैं 18,900 की है इसकी, ठीक है।
अब हम बात करेंगे रेस्टोरेंट टू से कितनी अर्निंग हो रही है, तो सेम एज यस सर यहाँ पे रेस्टोरेंट टू की बात करेंगे तो जी इसमें नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं 8 और अर्निंग फ्रॉम ईच टेबल कितना 5400, तो मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देंगे टोटल अर्निंग आ जाएगी रुपीज 8 4 जा 32 22 8 5 जा 40 and 3 43 डबल जीरो यहाँ भी आ जाएगा 43,200 18,900 फर्स्ट रेस्टोरेंट से और सेकेंड रेस्टोरेंट से 43,200 हो गया ठीक है यस सर। आप बात कर रहे हैं सर थर्ड में कितना अर्न कर रहा है वो, यहाँ पे सर 6 टेबल्स थे नंबर ऑफ टेबल और अर्निंग फ्रॉम ईच टेबल है इसका 6,850 तो चलिए 6,880 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टेबल्स कितना 6। अब यहाँ से टोटल अर्निंग की बात करो तो रुपीज 6 8 जा 48 सर बुक का पेज कितना है यस बेटा यहाँ पे टोटल अर्निंग फ्रॉम रेस्टोरेंट 3 आ गया ठीक है यस सर यस यस चलिए अब हम रेस्टोरेंट 4 की बात कर ले जहां से उसकी ईच टेबल से अर्निंग कितनी है 3,996 और नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं 10 है तो 3,996 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसी में सिंगल जीरो इंसर्ट कर देंगे और क्या 3,996 में एक सिंगल जीरो किया साइड ऑफ इंसर्ट कर देंगे यस बेटा 39,960 रुपीज यहाँ से वो अर्न करेगा ठीक है। अब टोटल रॉबिन्स अब हम बताएंगे टोटल अर्निंग ऑफ रॉबिन्स नाउ टोटल Now total earning of Robbins, बेटा Robbins की total earning निकालनी है तो सर करना कुछ नहीं है add कर देना उसके 4 restaurant के earnings को तो चलिए add करके check कर लेते हैं direct में add करके write कर दे रहा हूँ आप लोग यहीं से check कर लेते हैं ना 0 0 0 0 तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 फिर 6 + 8 14 + 0 + 0 14 to 4 बात समझ में आ रही है यस सर गुड बेटा 0 14 to 4 नेक्स्ट 9 + 2 + 11 + 2 13 to 3 नो मैंने ऊपर वाला तो ध्यान ही नहीं है 9 + 2 11 + 2 13 + 9 कितना होता है 22 वन फॉरवर्ड कैरी 23 2 3 नाउ नेक्स्ट 9 + 1 10 + 3 13 + 8 21 फॉरवर्ड कैरी 2 Excuse me. Yes, beta. Yes. Sir, book का पेज नंबर बता दीजिए. पेज नंबर 36 आपका. It
इतना तो एडिशन सही ना, टोटल ऐड करके आप ही लोग बताइए कितना होगा। 0+0000 हो गया 1,43,340। यस बेटा 9,43,000। सर 1 लाख, सर 1,43,340। ओ सॉरी 1,43,340 रुपीज। ये टोटल अर्निंग ऑफ रॉबिन्स आ गया बेटा, क्लियर हो गया इतनी बातें, यही तो हमें निकालना था। लेकिन अब इसको क्या करना, रॉबिन्स क्या करना चाहता है, अपने 6 फैमिली मेंबर्स में इसको डिवाइड करना चाह रहा है, तो ठीक है इंक्लूडिंग हिम अपने आप को लेकर, बेटा इंक्लूडिंग हिम मीन्स अपने आप को भी लेकर, तो ठीक है 6 फैमिली मेंबर्स में डिवाइड कर देते हैं इसको। नाउ इफ ही शेयर्स हिज अर्निंग अमंग 6 फैमिली मेंबर्स, इंक्लूडिंग हिम यानी अपने आप को लेकर, तो ईच मेंबर्स विल गेट, इज इक्वल टू 1,43,340 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा माय डियर, 6 से डिवाइड कर, 6 डिवाइड करके चेक करेंगे तो 6 × 2 = 12 आएगा यहाँ पे। देन आफ्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉपी आएगा, 6 × 3 = 18, 5 × 53 हो जाएगा। नाउ 6 × 8 = 48, देन अगेन 5 × 54, 6 × 9 = 54, 6 × 0। इट मींस ईच फैमिली मेंबर विल गेट 23,890। क्या कोई ऐसा आंसर मैच कर रहा है कि उसकी टोटल अर्निंग 1,43,340 हो और ईच फैमिली मेंबर 23,890 गेट कर रहा हो, ऐसा कोई ऑप्शन? यस बेटा है, तो आप लोग थोड़ा सा मैं इसको मैक्सिमम, यस टोटल अर्निंग देख लो यहाँ पे सी ऑप्शन में, देखो आप लोग देख पा रहे हो ना इसकी टोटल अर्निंग कितनी, इतनी है सॉरी 1,43,300 टोटल अर्निंग है, इतना हमारा भी आया था और उसके ईच फैमिली मेंबर्स गेट्स करते हैं रुपीज 23,890 और यहाँ भी वही आया था, हमने भी वही सॉल्व किया था ना, 23,890 ईच फैमिली मेंबर गेट, यस सर, और टोटल अर्निंग इसकी आई थी 1,43,340। यस सर, बात समझ में आ गई कैसे हुआ है ना? यस सर। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके तो चलिए, यस सर, यस बेटा, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट मीन्स यहां से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है तो इसको सी को टिक कर देंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वर्कशीट। योर नेक्स्ट पॉइंट इज वर्कशीट, और ये वर्कशीट जो बेस्ड होता है आपने भी जितने टाइप का क्वेश्चन इससे पहले डिस्कस किया गया आपके लिए, ठीक है उसी का एक रिवीजन फॉर्मेट होता है वर्कशीट। चलिए इसी को हम आप फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हमने किए हैं उस इस वर्कशीट को उसको रिवाइज कर लेंगे। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सॉल्व द फॉलोइंग। बेटा क्या करना है,
इनको सॉल्व करना है, तो एडिशन प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट ऐड कर लेना, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सेकंड क्या है? एक सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, माइनस, ये तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, या ऐड करना है ऐड कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड तो करना ही आता है, 25 का टेबल रीड करके डिवाइड कर लेना, और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बेटा ये सारा बेसिक ऑपरेशंस के क्वेश्चन है, इनको तो आप लोग कर लोगे ना? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इसका भी हिंट आपको मैं दूंगा, टोटल सॉल्व नहीं दूंगा बिकॉज आप लोगों को ट्राई करना है अभी। इसमें ने लगा, इन अ फैक्ट्री देयर वर 397 वर्कर्स, इफ ईच वर्कर रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 2786, हाउ मच मनी डिड द फैक्ट्री स्पेंड द सैलरीज फॉर द वर्कर्स पर मंथ? एक एक वर्कर को कितना मिलता है सैलरी पर मंथ? एक वर्कर को कितना मिलता है? ईच वर्कर्स को कितना मिलता है भाई? अगर सैलरी की बात की जाए, ईच वर्कर्स को कितना दिया जा रहा है बाय द फैक्ट्री? 2786। कितना? 2786। और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे फैक्ट्री में? 397। तो टोटल कितना स्पेंड करता है फैक्ट्री, ये जानने के लिए क्या करेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, एक्सक्यूज मी। यस बेटा, पेज बता दीजिए। क्या आपकी आवाज कट कट के आ रही है? क्लियर नहीं हो रही है मेरी वॉइस? प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है। तो मैंने यही तो आस्क किया है कि इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, 397, और अगर ईच वर्कर्स गेट्स रुपीज 2786, देन हाउ मच मनी डिड द फैक्ट्री स्पेंड इन सैलरी फॉर द वर्कर्स, बताना आपको है। तो क्या करेंगे इसके लिए, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज नंबर ऑफ वर्कर्स हमें पता है, ईच वर्कर्स कितना गेट करता है ये भी पता है, जो सैलरी, ठीक है। तो आप अगर टोटल स्पेंड निकालना हो फैक्ट्री, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करना होगा इसको 2786 बाय 397, इसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल स्पेंड्स ऑफ फैक्ट्री इन सैलरी निकाल लेंगे पर मंथ। ओके, तो कर लोगे इसको? व्हाट डू यू डू हियर? बेटा आपको करना क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई इन दिस क्वेश्चन। ओके, यस, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। इन्होंने कहा फॉर अ ब्लड, नो नो नो, ब्लड नहीं है, फ्लड है। फॉर अ फ्लड रिलीफ फंड थ्री एनजीओस कलेक्टेड रुपीज 45,63,947 एंड कॉमा लगा के इन्होंने नेक्स्ट बताया 6,34,893 एंड 23,96,423, हाउ मच मनी Did they collect all together? बेटा उन्होंने तीनों एनजीओ ने मिलकर कितना कलेक्ट किया ये जानने के लिए इन ऑल द जो सम्स हैं इनको एड कर दीजिए। यानी क्या करना होगा, आप टोटल जो सम्स यानी रुपीज कलेक्टेड हैं इसको आप क्या करोगे, एड कर दोगे, तो ये पता चल जाएगा कि उन थ्री एनजीओ के द्वारा कितना पैसा कलेक्ट किया गया। बात तो समझ में आ रही होगी, एड ही तो करना है यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, बेटा। चलिए पॉइंट नंबर फोर की बात करते हैं, जिसमें कह रहा है स्टडी द इमेज एंड आंसर द क्वेश्चंस।
आपको इमेज को स्टडी करके फिर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वेलकम टू पैन अमेरिकन हाईवे। हमारा जो यहाँ पे फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है इस डायग्राम में पैन अमेरिकन हाईवे को शो किया गया है। अब बात करते हैं सर, पैन अमेरिकन हाईवे तो शो किया गया है जिसकी टोटल अप्रोक्सीमेट लेंथ है 30,000 किलोमीटर। ये इट इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे रूट, यानी ये दुनिया का सबसे लंबा हाईवे है। क्या है? दुनिया का सबसे लंबा हाईवे अमेरिकन हाईवे है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है? 30,000 किलोमीटर। ओके यस सर। अब हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। करें एंग्लो ट्रक ड्राइवर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द हाईवे एंड ट्रेवर्स अ डिस्टेंस ऑफ। ओके तो ये बेटा हम बात करें, इन्होंने कहा एंग्लो ट्रक ड्राइवर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द हाईवे एंड ट्रेवर्स a distance of 7,364 km in first week, 1,034 km each over the next 2 weeks, each day over the next 2 weeks, and the remaining distance in the fourth week. If Anglo covered the same distance each day, how much distance did he cover in one day in the first week? बेटा आपको ये बताना है कि उसने अगर पर डे क्या, if Anglo covered the same distance on each day, how much distance did he cover in one day in the first week? बेटा first week के one day में उसने कितना cover किया होगा? If he covers total of 7,364 किलोमीटर इन फर्स्ट वीक, यानी फर्स्ट वीक में इतना टोटल कवर किया था, तो उसने वन डे में कितना कवर किया होगा ये कैसे फाइंड करेंगे? ओके यस बेटा, अब इसके लिए क्या करना होगा? यू हैव टू डिवाइड 7,364 बाय 7, बिकॉज जो 7 डेज में इतना टोटल डिस्टेंस कवर किया था ना, फर्स्ट वीक में इतना टोटल डिस्टेंस कवर किया था, अगर हमें उसकी वन डे की कवर डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको टोटल कवर डिस्टेंस को डिवाइड करना होगा बाय 7, ठीक है? यहाँ से अगर आप डिवाइड करना चाह रहे हो तो 7 × 7 देन आफ्टर 0 75 × 35 एंड 7,052। यस बेटा 1,052 किलोमीटर। यहाँ से अगर आप डिवाइड करते हो तो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या आएगा? 1,052 किलोमीटर पर डे वो कवर करता है ऑन इन द फर्स्ट वीक। ओके यस सर। देखिए उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था फर्स्ट वीक में? 7,364 / 7 फर्स्ट वीक में उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 7,364 किलोमीटर। आपने कहा सर अब उसकी इफ एंग्लो कवर द सेम डिस्टेंस ईच डे हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर इन वन डे। सो ही कवर्ड इन वन डे
बेटा वन डे में कितना कवर किया होगा ये जानने के लिए 7,364 डिवाइड बाई 7 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1,052 किलोमीटर। डिवाइड करके आप लोग चेक करना, इतना ही आएगा, कितना आएगा 1,052 किलोमीटर। ठीक है, 1,052 किलोमीटर। यस सर। अब हम पॉइंट नंबर बी की बात करेंगे जिसमें दिया गया है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंग्लो इन द सेकेंड एंड द थर्ड वीक्स। तो बेटा सेकेंड और थर्ड वीक में कितना कवर करता है ये जानने के लिए पहले देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था। सेकेंड और थर्ड वीक में उसने कवर किया था 1,034 किलोमीटर ईच डे ओवर द नेक्स्ट टू वीक्स, यानी अगले दो सप्ताह तक उसने पर डे कवर किया था 1,034 किलोमीटर। तो टू वीक्स में नंबर यस बेटा वो टू वीक्स तक कवर किया ना, सेकेंड और थर्ड वीक्स तक ये डिस्टेंस कवर करता रहा है, तो टोटल कवर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पर डे जो डिस्टेंस कवर करता है उसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 14 से, बिकॉज नंबर ऑफ डेज इन टू वीक्स कितने होते हैं 14, तो टू वीक्स का अगर डिस्टेंस कवर्ड फाइंड कर द्वारा कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इस डे कवर करता है इन सेकेंड एंड थर्ड वीक के में उसको हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई टू नो दिस 1,426 / 14 टोटल कवर डिस्टेंस आ जाएगा। व्हाट इज द टोटल, इन्होंने कहा था टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंग्लो इन द सेकेंड एंड इन द थर्ड वीक्स इज इक्वल टू 1,034 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 14, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए क्या आंसर 14,476। ओके 14,476 आप लोग भी चेक करना मल्टीप्लाई कितना टोटल ऑफ डिस्टेंस आ रहा है किलोमीटर। ओके यस सर। अब बात करते हैं हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर इन द लास्ट वीक। बेटा उसने लास्ट वीक में कितना कवर किया था, तो बचा हुआ डिस्टेंस जो है वो लास्ट वीक में कवर हुआ है उसके द्वारा। अब टोटल डिस्टेंस कितना था, पैन अमेरिकन हाइवे कितना लंबा था ये तो आपने जाना था ना, 30,000 किलोमीटर लॉन्गेस्ट रूट है पैन अमेरिकन हाईवे, ये इसकी लेंथ दी गई है 30,000 किलोमीटर। तो 30,000 किलोमीटर में ऑलरेडी उसने कवर कितना कर लिया था 7,364 फर्स्ट वीक में, सेकेंड और थर्ड वीक में 14,776, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा 30,000 माइनस 21,840। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर इन द लास्ट वीक, सो ही कवर्ड इन लास्ट वीक, ही कवर्ड इन लास्ट वीक, यानी लास्ट वीक में कितना कवर करता है ये जानने के लिए आप टोटल डिस्टेंस में से 30,000 में किलोमीटर से आप इसके कवर डिस्टेंस को माइनस कर दो। कवर डिस्टेंस कितना 7,364 किलोमीटर इसने फर्स्ट वीक में कवर किया था और 14,476 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने बाद में लास्ट के टू वीक्स में कवर कर लिया। 30,000 माइनस 6 + 4 = 10, 6 + 7 = 13, 1 forward carry 14 to 4, 3 + 4 = 7 1 forward carry 88, 8 not hope plus 3 = 7 1 forward carry 8, 7 + 4 = 11 to 1 now 1 + 1 2 माइनस करेंगे 0 - 0 = 0, 10 - 4 = 6 and 9 minus 8 is equal to 1 and 9 minus 1 is equal to 8, 2 minus 2 is equal to 0, it means 8,160 kilometer ka distance wo baad mein last ke week mein cover kar leta hai, fourth week mein, theek hai? yes sir
यस सर। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। यस सर। यस यस सर। यस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इन अ सर्टेन ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर ग्रेड 12 बोर्ड एग्जाम अक्रॉस इंडिया वाज 64,35,870। इनमें से 36,70,682 वर बॉयज। हाउ मेनी गर्ल्स अपेयर्ड फॉर द एग्जाम? इतने बॉयज थे, इतने नंबर ऑफ बॉयज थे और टोटल स्टूडेंट कितने थे ये। तो इसी में से अगर हमें गर्ल्स की स्ट्रेंथ बतानी है, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? टोटल स्टूडेंट में से बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। टोटल स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ बॉयज सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका हाउ मेनी गर्ल्स अपेयर्ड फॉर द एग्जाम ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। इन्होंने कहा राहुल गेट्स अ मंथली सैलरी ऑफ, सेकंड फाइव नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, राहुल गेट्स अ मंथली सैलरी ऑफ ₹17,100। कैलकुलेट राहुल्स डेली वीकली एंड एनुअली सैलरी। मंथली गिवन है ना, तो डेली निकालने के लिए 30 से डिवाइड कर देना इसको। यहाँ पे डेली वाला फाइंड करने के लिए इस टोटल वैल्यू को डिवाइड बाय 30, बिकॉज वन मंथ में 30 डेज होते हैं। अब जो डेली आ जाएगा इसी में 7 से मल्टीप्लाई कर देना तो वीकली हो जाएगा। डेली इनकम मल्टीप्लाइड बाई 7, ये वीकली इनकम आ जाएगा, है ना। डेली पता चल गया, उसी में 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो वीकली कितनी इनकम है वो पता चल जाएगा। अगर आपको मंथली पता है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो इसकी एनुअली पता चल जाएगा, यानी पूरे साल भर में कितना कमाता है वो, है ना। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आपका लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर। ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में जाके बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 6 नंबर में यूज द डीमास रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग। बेटा ये भी कर लोगे, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। यस सर। इस वर्कशीट के जितने भी क्वेश्चन है आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यस सर। बेटा ये क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय सर। बाय बेटा। गुड बाय। गुड बाय।